हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक चौधरी। आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सक्सेस से, कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सी बेहतर है। हम कंपेयर करेंगे प्राइसिंग के हिसाब से, आंसर्स की सटीकता के हिसाब से, और कौन उनके मॉडल के हिसाब से, उनके मॉडल पेपर के हिसाब से, और कौन सी बेहतर है, कौन सी हमें लेनी चाहिए, सब बताऊँगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये हटा देते हैं। सबसे पहले हम इनकी प्राइसिंग देखें तो यहाँ पे दी हुई है इसकी प्राइसिंग 70 रुपये। जो हमारे सामने जो परीक्षा बोर्ड दी हुई है अंग्रेजी की, उसकी प्राइस दी हुई है 70 रुपये। और विज्ञान की परीक्षा सक्सेस की जो प्राइस है वो मैं देख ले दो कहाँ पर दी है। ये दी हुई है यहाँ पर 50 रुपये। तो प्राइसिंग के हिसाब से तो परीक्षा सक्सेस ज़्यादा बाजी मार जाती है, क्योंकि इनकी प्राइस हमेशा एक जैसी रहती है, जबकि परीक्षा बोर्ड की जो प्राइस है वो एक जैसी नहीं रहती, सबके अलग अलग रहती है। सोचिए, जब आप अंग्रेजी की 70 रुपये है तो गणित की कितने की होंगी, बाकी विषयों की कितनी ज़्यादा हाई प्राइस में होंगी। तो प्राइस के हिसाब से परीक्षा सक्सेस बाजी मार जाता है। अब हम बात करें इनके लुक की और इनकी मोटाई की, तो ये बहुत मोटी आती है जबकि ये बहुत पतली है। तो ये तो विज्ञान और अंग्रेजी के इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा मोटी ये आती है। अगर हम बात करें हमें किस में से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको परीक्षा सक्सेस में से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी क्वालिटी में आती है, बहुत अच्छी प्राइसिंग में भी मिल जाती है आपको। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं और मेरिट लिस्ट में लाना चाहते हैं, जैसे 100 में से 99, 98, मतलब 90 के ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप ये पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम बात करते हैं क्या इनके दावे सच होते, जैसे दावा करते हैं कि हमारे इसमें से इतना पढ़िए तो 100% सफलता देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे। मैं देख सकता हूँ, उनके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। परीक्षा सक्सेस का दावा है कि परीक्षा सक्सेस है तो सफलता निश्चित ही है। और युगबुद्ध वालों का दावा है कि परीक्षा हमारी परीक्षा सक्सेस में से 96, ये जो दिए हुए ना, इन्होंने इतने अंक दिए हुए, इतने अंक का हर साल पूछा जाता है, 98, 97, इतने अंक का हर साल पूछा जाता है। तो दोनों ही इसमें बेहतर है, दोनों में से पूछा जाता है। और अगर हम देखें इनके पीछे क्या क्या दिया हुआ है, तो इसके पीछे दी हुई है मेरिट लिस्ट के, जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनकी जो लिखते हैं आंसर शीट, वो आंसर शीट दी हुई है, जबकि आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलता है परीक्षा सक्सेस में। तो यह बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये दे दी है परीक्षा बोर्ड वालों ने। तो अब मेरा सजेशन बताओ तो आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके अगर थोड़ी बजट थोड़ा कम है और आप कम बजट में अधिक पढ़ना चाहते हैं और आपका और आप अच्छे अंक भी लाना चाहते हैं, तो आप परीक्षा सक्सेस लीजिए, क्योंकि बहुत कम बजट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। या आपको 6 विषय में मार्केट में पड़ जाएंगी फिर भी 250 रुपये में, 250 से 300 रुपये की 6 विषय की, मेरे हिसाब से 250 रुपये में आपको 6 विषय की मिल जाएगी। जबकि यह जो परीक्षा बोर्ड है वो बहुत महंगी मिलती है आपको, यह आपको 400 से 500 रुपये में 6 विषय की जो है मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि परीक्षा सक्सेस ही लीजिए, परीक्षा बोर्ड नहीं लीजिए, बहुत महंगी आती है ये और इसमें से उतना बेहतर आता नहीं है। परीक्षा सक्सेस में से आंसर्स की सटीकता भी बहुत बेहतरीन है। तो मेरा सजेशन है परीक्षा सक्सेस ही आप लीजिए। अब आप भी अपना सजेशन बताइए कमेंट में, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ। और मैं आगे IMP भी डालने वाला हूँ, कुछ मैथ के इसे IMP भी डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी बेहतर है। ठीक है।